हेलो एवरीबॉडी, आज के लेक्चर में हम कॉनिक सेक्शन का रिवीजन करेंगे। कॉनिक सेक्शन एक जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं और जनरली हर स्टूडेंट से सॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्विकली इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ ऑन ए गिवन बेस अ ट्राइंगल बी डिस्क्राइब्ड सच दैट द सम ऑफ द टेंजेंट ऑफ द बेस एंगल इज कॉन्स्टेंट देन फाइंड द लोकस ऑफ द वर्टेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि इस तरह की लैंग्वेज ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ट्रायंगल का बेस गिवन है और एक थर्ड वर्टेक्स जो है वो मूविंग है ना, तो इस तरह की लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम में अपन कोशिश ये करते हैं कि डायग्राम को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट कर लिया जाए। और ऐसी सिचुएशन वेक्टर्स में भी आ सकती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी में भी आ सकती है। तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो देन प्लॉट द डायग्राम ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में गिवन था कि एक ट्रायंगल है जिसका बेस की लेंथ फिक्स है और टॉप वर्टेक्स जो है वो मूविंग है। तो मैंने बेस को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट कर लिया, है ना। टॉप वर्टेक्स ए ले लिया, बेस इज बी सी, बेस की लेंथ कांस्टेंट है, बेस की लेंथ को ए पिक कर लिया, है ना। और टॉप वर्टेक्स का लोकस निकालना, तो जिसका लोकस निकालना होता उसके कोऑर्डिनेट को कुछ एच कॉमा के लेट कर लेते। मैंने इस वर्टेक्स पर एक एच कॉमा के लेट कर लिया, है ना। एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सम ऑफ टेंजेंट ऑफ द बेस एंगल इज कांस्टेंट। तो जो बेस एंगल्स हैं वो बेस एंगल मैंने बी और सी ले लिया है और आपको क्या गिवन है, इनके टेंजेंट का सम कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या गिवन है, 10b प्लस 10c इक्वल्स टू कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को मैंने लैम्डा बोल दिया है, ठीक है ना। चलिए ए का लोकस चाहिए, तो मैंने ए से एक परपेंडिकुलर डाल दिया एक्सिस पर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये तो एच आ जाएगा और जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, के। तो 10b की बात करें, यूजिंग ट्रायंगल ABM, 10b यूजिंग ट्रायंगल ABM 10b क्या आएगा, 10b इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियरली के बाई एच आ जाएगा, है ना। यूजिंग ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC की बात करें देन 10c इज व्हाट, 10c इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस बचो क्या बन जाएगा MC, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ MC फ्रॉम हियर, ए माइनस एच। ओके नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, दे आर 4, 1 विल इम्प्लाई के ओवर एच प्लस के ओवर ए माइनस एच इक्वल्स टू लैम्डा। दिस विल इम्प्लाईज इफ यू के टेकन आउट कॉमन, ए माइनस एच प्लस एच अपॉन एच टाइम्स ए माइनस एच, this is equals to lambda. Okay, fine. What we can write from here, ak equals to lambda times ah minus h square. Therefore, here lambda is constant, तो lambda को eliminate करने की कोई requirement as such यहाँ पर नहीं है। Therefore, locus of vertex A, तो आप जानते हैं जब लोकस निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, इन कोऑर्डिनेट को जनरलाइज कर देते हैं, एच को एक्स डाल देते हैं और के को वाई, है ना। क्योंकि ये जो कंडीशन आ रही है ये मूविंग पॉइंट एच को मा के की आ रही है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो उन पॉइंट के मूव करने, उस पॉइंट के मूव करने से जो पाथ आएगा उस पाथ की इक्वेशन लिखनी है। और पाथ की इक्वेशन हम लोग करंट कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के टर्म्स में लिखते हैं। तो पाथ की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए वाई इक्वल्स टू लैम्डा को नीचे भी डिवाइड दे सकते हैं, ए वाई लैम्डा टाइम्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ए वाई लैम्डा आपका कांस्टेंट, आप इसको एक नया कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, म्यू वाई इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक तरह से ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है राइट हैंड साइड में, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आप अपन जानते हैं पैराबोला होता है, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है क्या। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पार्टिकल क्रॉसेस द एक्स एक्सेस एट एल्फा कोमा जीरो बीटा कोमा जीरो बो टू द राइट साइड ऑफ द ऑरिजिन। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन एक पैराबोला है जो एक्स एक्सेस को क्रॉस करता है एल्फा और बीटा पर, दोनों ही पॉइंट ऑरिजिन के राइट साइड में हैं, है ना। अ सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू दीज टू पॉइंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ऑरिजिन टू द सर्कल। चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैराबोला दो पॉइंट पर एक्सिस को क्रॉस करता है, ठीक है। अच्छा ये अपने को पता होता है कि रूट की बात करें तो ग्राफिकली हम लोग रूट की डेफिनेशन क्या बोलते थे,
रूट्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दोज पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। तो जो पैराबोला है एक्सिस को एक बार अल्फा पे कट करता है, एक बार बीटा पे कट करता है। तो इट मीन्स इनडायरेक्टली इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी, इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन डेफिनेटली द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। इज दैट ओके? अब नेक्स्ट टाइम इन्होंने बोला है कि एक सर्कल जो है वो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ए पर लीडिंग कोफिशिएंट अननोन है, तो यहाँ पर पैराबोला की जो ओपनिंग है वो अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी ले सकते हो, उससे सच लेंथ ऑफ टेंजेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इन दोनों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है, एक सर्कल बना लिया, और अपने को क्या निकालना है कि ओरिजिन से जो सर्कल पे आप टेंजेंट डालते हो उस टेंजेंट की लेंथ चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट। तो इस पॉइंट को अगर मैं ए कॉल करूं, इसको बी कॉल करूं और इस टेंजेंसी पॉइंट को पी कॉल करूं, तो एक टेंजेंट सेकंड थ्योरम हम लोग पढ़ते थे, ओ पी टेंजेंट है सर्कल की और ओ ए बी क्या है सेकंड है। तो बाई टेंजेंट सेकंड थ्योरम ओ ए इंटू ओ बी को अपन बोल सकते ओ पी स्क्वायर, ठीक है ना। ओ ए इज़ वॉट अल्फा, ओ बी इज़ वॉट बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा क्या है इस क्वाड्रेटिक के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट ओ पी इज़ वॉट स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा दैट इज रूट ऑफ सी वाई ए। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। From an external point P, pair of tangent lines are drawn to the parabola y square equals to 4x. If theta 1, theta 2 are inclination of these tangent with the axis of x such that theta 1 plus theta 2 equals to pi by 4, then the locus of P is. देखिए बोले from an external point P, pair of tangents are drawn to the parabola. तो एक external point से हमने parabola पर tangent draw की है, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है और इससे मैंने पैराबोला पर दो टेंजेंट ड्रॉ की हुई है और इन टेंजेंट का इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा वन प्लस थीटा टू। तो अपन ऐसे क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट लेंगे, पैराबोला की जनरल टेंजेंट, एनी टेंजेंट टू द पैराबोला इज, पैराबोला के बच्चों जनरल टेंजेंट क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम, है ना। यहाँ पर a की वैल्यू क्या दे रखी, 1, तो ये पैराबोला की जनरल टेंजेंट आ गई, है ना। अब मुझे उन टेंजेंट की बात करनी है जो पॉइंट p से पास होती है, तो इस जनरल टेंजेंट को मैंने पी एच कॉमा k से पास करा दिया। क्या मिलेगा, k इक्वल टू एम एच प्लस 1 बाई एम, एम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम स्क्वायर एच माइनस एम के प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैंने पैराबोला की सारी टेंजेंट को पॉइंट पी से पास कराया, तो उसके बाद जो भी कुछ रिजल्ट मिलेगा वो पॉइंट पी से पास होने वाली टेंजेंट के लिए मिलेगा, है ना। मैंने सपोज किया कि पॉइंट पी से जो टेंजेंट पास हो रही है पी और पी बी, उनमें से एक टेंजेंट का स्लोप एम वन है, दूसरी टेंजेंट का स्लोप एम टू है, तो जस्ट अभी जो क्वाड्रेटिक मिली है उसके दो रूट हो जाएंगे एम वन और एम टू, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, एम वन प्लस एम टू रूट्स का सम, सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा के वाई एच, एन प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो ये आ जाएगा 1 बाई एच, ठीक है ना। अब बात है मूव कैसे, आगे कैसे मूव करेंगे। तो अपने को गिवन था कि जो पॉइंट पी से टेंजेंट पास होती उनके इंक्लिनेशन थीटा 1 और थीटा 2 है सच दैट कि इन दोनों एंगल का सम क्या है पाई बाई 4, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि टेंजेंट एक्सिस से थीटा 1 और थीटा 2 एंगल बनाती हैं और उनका सम पाई बाई 4 है, है ना। तो इसी का मैंने 10 ले लिया, टेक 10 ऑन बोथ साइड्स, तो 10 ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 10 पाई बाई 4 बच्चों क्या बन जाएगा 1, है ना। और 10 थीटा 1 क्या बन जाएगा m1, यानी m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2, ये वैल्यू 1 आ गई। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, m1 प्लस m2 इक्वल टू 1 माइनस m1 m2, m1 प्लस m2 इज k ओवर h और 1 m1 m2 इज 1 ओवर h, h से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट पी एच कॉमा के इज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y इक्वल टू x माइनस 1, दिस विल इम्प्लाई x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला अपॉन ऑल सच कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच सबटेंड ए राइट एंगल एट द वर्टेक्स। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है, परपेंडिकुलर डालना कहाँ से, वर्टेक्स से डालना है, किस पर डालना है, कॉर्ड पर डालना है। कॉर्ड की प्रॉपर्टी है कि कॉर्ड जो है वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है, ये पैराबोला की कॉर्ड है ना। और इस कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉर्ड जो है वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस वर्टेक्स इज बी, ठीक है ना। और लोकस किसका निकालना है, हमने वर्टेक्स से परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पर डाला है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर के फुट को मैंने एच कॉमा के कॉल किया, वर्टेक्स ऑरिजिन है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है ना। क्वेश्चन में स्टार्ट लेने के लिए मैंने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को टी वन कॉल किया, ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को टी टू कॉल किया, ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या, कॉर्ड वर्टेक्स पर एंगल 90 बनाती है, 90 बनाने का मतलब बी ए और बी बी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, स्लोप ऑफ बी ए इंटू स्लोप ऑफ बी बी इज माइनस वन, एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ बी ए, वही एक्स टू माइनस बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो बी ए का स्लोप आ गया टू बाई टी वन। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड बी बी, स्लोप इज टू बाई टी टू इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो यहाँ से आप टी वन टी टू निकाल सकते हैं, टी वन टी टू इज वॉट माइनस फोर, ठीक है बच्चों। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना था नो, सो आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। बच्चों ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैराबोला में कॉर्ड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, तो ये इक्वेशन मेरा सजेशन है आप याद ही रखें, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, टू एक्स माइनस टी वन प्लस टी टू इंटू वाई प्लस टू ए टी वन टी टू इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी, एंड पॉइंट पी लाइज ऑन द कॉर्ड, देयरफोर इट्स कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, टू एच माइनस टी वन प्लस टी टू इंटू के प्लस टू ए टी वन टी टू इक्वल्स टू जीरो। एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंट, द कॉर्ड ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी, स्लोप ऑफ बी पी, स्लोप ऑफ बी पी इज वॉट, स्लोप ऑफ बी पी इज के ओवर एच, एंड वॉट इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी, टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर, बी पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयर फोर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज माइनस वन, वी कैन राइट के ओवर एच इंटू टू अपॉन टी वन प्लस टी टू इज इक्व टू माइनस वन, दिस विल इम्प्लाई द वैल्यू ऑफ टी वन प्लस टी टू इज वॉट माइनस टू के ओवर एच, ठीक है क्या। अब यार इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कॉल किया, इसको सेकेंड कॉल किया, इसको थर्ड कॉल किया, प्रॉब्लम लोकस की है और लोकस की प्रॉब्लम में वी हैव टू एलिमिनेट द वेरिएबल, जिन वेरिएबल को हमने इंट्रोड्यूस किया है तो अल्टीमेटली वी हैव टू एलिमिनेट दीज वेरिएबल्स एंड वी हैव टू डेवलप अ रिलेशन अमंग द कांस्टेंट इन द सिस्टम एंड अल्टीमेटली वी हैव टू जनरलाइज दिस कंडीशन, द कंडीशन विच इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम वेरिएबल्स। नाउ टू इम्प्लाई द वैल्यू ऑफ टी वन प्लस टी टू इज वॉट माइनस टू के ओवर एच, 2k over h times k plus 2a into t1 t2, the product t1 t2 is what, minus 4, if we divide by 2 then what we get, and multiply by h, h square plus 2k square minus minus 4ah equals to 0, something like that, x square plus t1 plus t2, t1 t2 is minus 4, okay, 2x minus t1 plus 2a t1 t2 equals to 0, slope is what, bp is root k by h and slope 2 upon t1 plus t2 perpendicular hai dono, t1 plus t2 is or minus 2k by h, yeah mistake ho rahi hai yaar, yahan par 2 nahi hoga,
ओके एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस फोर ए एच इक्वल्स टू जीरो. देयरफॉर लोकस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. ये आपका लोकस आ जाएगा. ठीक है क्या? इट मीन करेक्ट ऑप्शन इज आगरा. 27 ने डिवाइड दिया था, इससे मल्टीप्लाई किया था. परफेक्ट है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एंगल बिटवीन द पैराबोलास दिस एंड दिस एट द कॉमन एंड ऑफ देयर लेटस रेक्टम. आपको देखिए क्वेश्चन में दो पैराबोला गिवन है. फर्स्ट पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर इंटू एक्स माइनस वन एंड सेकेंड पैराबोला इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो. आपको यार ये गिवन है, ये दोनों पैराबोला लैटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटी पर इंटरसेक्ट करते हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पैराबोला एट देयर कॉमन एंड ऑफ लैटस रेक्टम. तो फर्स्ट प्रॉब्लम यार ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एक्सट्रीमिटी ऑफ द लैटस रेक्टम एट विद दीज टू पैराबोला इंटरसेक्ट. एंड द मेजर प्रॉब्लम इज दैट दीज टू पैराबोला आर नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. So first I am going to convert these parabola into standard form. Let for first parabola, let's suppose x minus 1 and suppose these are the small letters. I am going to write this equation in small letters. Y square equals to 4 times x minus 1 and x square plus 4 times y minus 3 equals to 0. First parabola, let x minus 1 equals to capital X and small y equals to capital Y. Therefore, transformed equation of first parabola is what? Y square equals to 4x. And this is a right-handed parabola, something like that. And the extremities of lattice rectum for this standard parabola is 1,2 and 1,-2 because if we compare y square equals to 4x with y square equals to 4ax, then a is 1. Okay. Therefore, for the first parabola, the extremity L1, L2 in new coordinate frame, L1 is 1,2, L2 is 1,-2. लेकिन अपने को coordinate चाहिए old frame में चाहिए, original parabola के चाहिए, है ना? तो जो मैंने अभी कोऑर्डिनेट निकाले हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं बच्चों, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की हैं, लेकिन अपने को स्मॉल एक्स चाहिए स्मॉल वाई. तो ये जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है, इसको उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए तो स्मॉल एक्स निकल आएगा. एक्स को वन डालिए तो स्मॉल एक्स टू आ जाएगा. ये जो कैपिटल वाई है, इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए तो स्मॉल वाई टू आ गया. सिमिलरली ये जो कैपिटल एक्स है, इसको उठा के आप यहाँ पर पुट करिए, छोटा वाला एक्स बताइए टू, और वाई और वाई माइनस वाई इक्वल है. ठीक है ना? तो यानी ओल्ड फ्रेम में, यानी ओरिजिनल पैराबोला जो P1 गिवन था, उसके लिए लैटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटी क्या आएगी? 2,2 और 2,-2. ठीक है ना? तो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला की दोनों एक्सट्रीमिटी निकाल ली. अब इन दोनों एक्सट्रीमिटी में से एक एक्सट्रीमिटी जो होगी वो सेकेंड पैराबोला की भी होगी. तो अब क्या किया जाए? कुछ स्टूडेंट क्या काम करते हैं कि सेकेंड पैराबोला में भी ओरिजिन को शिफ्ट करके इसकी दोनों एक्सट्रीमिटी निकालते हैं, फिर देखते हैं दोनों में कॉमन कौन सी है. मैं बोलता हूँ यार ऐसा करने का रिक्वायरमेंट अभी नहीं है. आप क्या काम करें, इन दोनों को उठा के बैक चेक कर लें, इनमें से कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है. तो मैंने 2,2 को चेक कराया, एक्स को 2 डाला, वाई को 2 डाला, तो ये साउंड आ गई 4-4, 0. ओके की साउंड आ रही है. ओके साउंड आने का मीन्स है कि 2,2 जो पॉइंट है वो सेकेंड पैराबोला पर भी लाई करता है, है ना? तो क्या इसको लैटस रेक्टम एक्सट्रीमिटी मान लेना चाहिए? नहीं, पहले इसको भी चेक कर लो यार. हो सकता है ये भी लाई कर रहा हो, अब ये भी लाई कर रहा है, तो हो सकता है एक एक्सट्रीमिटी को दूसरी एक्सट्रीमिटी ना हो. लेकिन अगर सेकेंड एक्सट्रीमिटी लाई नहीं कर रही है, तो फिर तो 100% फिर यही एक्सट्रीमिटी होगी जैसा कि क्वेश्चन के लैंग्वेज में बोला गया है. तो अगर मैं एक्स को 2 और वाई को -2 डालता हूँ यहाँ पर, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, नॉट अलाउड. आप देख लीजिए 4 आ जाएगा और -2 × -3 -2 -3 -5 = 20. ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता. तो ये कॉमन एंड आ गया अपने पास 2,2. इस इन्वेस्टिगेशन से इंफॉर्मेशन मिली कि कॉमन एंड ऑफ लैटस रेक्टम इज व्हाट? 2,2. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट दिस पॉइंट 2,2.
तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों अपन कैसे डिफाइन करते थे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना, तो मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। दोनों कर्व को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट कर्व को डिफ्रेंशिएट किया 4 आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 2,2, x को 2, y को 2 डाल दो, 4/4 1 आ जाएगा। तो पहली टेंजेंट का स्लोप को m1 बोल दिया, सेकेंड कर्व को डिफ्रेंशिएट कर लो 2x प्लस 4 y का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड कर्व के लिए dy बाई डी एक्स अगर निकाले हम लोग 2,2 पर, तो x को 2, y को 2, तो ये -1 आ गया। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है यार m1 m2 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, 90 डिग्री। लेकिन एक फाइट है यार, ऑप्शन आपको इतना क्लियर दिए नहीं है, ऑप्शन जो है इनवर्स फंक्शन को यूज़ करके दिए, नो बिग इश्यू। टेन इनवर्स 1 पब्लिक को पता होता है, पाई बाई 4 होता है, टेन इनवर्स रूट 3 पाई बाई 3 होता है, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, टेन इनवर्स 2 जो होगा ये पाई बाई 4 से बड़ा एंगल है, ये भी पाई बाई 4 से बड़ा एंगल है, तो ये पाई बाई 2 से बड़ा एंगल आएगा। तो तीन ऑप्शन तो नहीं है, फिर अकेला कौन सा बचता है, बी बचता है। और क्लैरिटी चाहिए तो आप देख लीजिए, बी ऑप्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 को लिख दिया टेन इनवर्स हाफ, और कॉट इनवर्स 3 को टेन इनवर्स ऑफ 1/3, टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स 1/3 आप ऐड करके निकालेंगे तो ये एंगल पाई बाई 4 आता है, और ये भी पाई बाई 4 है, तो दोनों का सम आपका आ गया पाई बाई 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है क्या। चलिए मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला टू द वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू द टेंजेंट एट पी इंटरसेक्ट एट आर, देन द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ आर इज। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हमने ज्वाइन की है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला टू द वर्टेक्स। पैराबोला वही है, स्टैंडर्ड है आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला है। तो हमने पैराबोला के किसी भी पॉइंट पी को हमने वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू द टेंजेंट एट पी, पैराबोला की टेंजेंट पर हमने फोकस से परपेंडिकुलर डाला है, फोकस का कोऑर्डिनेट 1,0 होता है, फोकस से हमने टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है ना। और इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर, कौन कौन सी दो लाइन, जैसे एक ओपी है और एक एसएम है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आर है, मतलब ओपी और एसएम का इंटरसेक्शन पॉइंट आर गिवेन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ आर, आर का लोकस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए मैंने पी के कोऑर्डिनेट को लेट कर लिया 80 स्क्वायर 280, है ना। तो पैराबोला के पॉइंट टी पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, दैट इज टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन, 1/t। तो पैराबोला की टेंजेंट का स्लोप हो गया 1/t, ठीक है ना। अच्छा टेंजेंट का स्लोप 1/t है, देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ, क्योंकि SM जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो SM का स्लोप क्या आ जाएगा, -1/t आ जाएगा। R का लोकस निकालना, तो R के कोऑर्डिनेट को मैंने h, k लेट कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो स्लोप ऑफ SM इज व्हाट, -1/t। अच्छा SM के स्लोप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि R और S, M, R, S को लीनियर है, तो SM का स्लोप वही होगा जो RS का स्लोप होगा, तो RS का स्लोप है k/h-a इक्वल्स टू -1/t, एक रिलेशन हमने यहाँ पर जनरेट कर लिया, ठीक है ना। अच्छा लोकस की प्रॉब्लम है, इट मींस वी हैव टू इलिमिनेट द वेरिएबल t, तो एलिमिनेशन के काम ये भी कर सकते हैं, पॉइंट्स o, r, p आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, देयर फोर वी कैन राइट स्लोप ऑफ ओ आर इक्वल टू स्लोप ऑफ ओ पी। तो ओ आर का स्लोप क्या आएगा, k/h, और ओ पी का स्लोप तो वही आ जाएगा 2/t। ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन आ गई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, और लोकस की प्रॉब्लम है, वेरिएबल t को इलिमिनेट करना है, तो मैं बोलूँगा दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 2, तो k/h-a इंटू k/h, ये कितना आ जाएगा, यार उल्टा लिख दिया मैंने, -t होगा स्लोप, दिस स्लोप इज -t, सॉरी यार टेक ए पार्डन, दिस स्लोप इज डेफिनेटली -t, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है।
ठीक है बच्चों, अब यदि इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, के बाई एच माइनस ए इंटू के बाई एच, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ आ जाएगा माइनस टू टाइप का आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, लोकस ऑफ दिस इम्प्लाइज लोकस ऑफ आर, आर का लोकस निकालना है तो क्या सीन बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू टाइम्स ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सही है क्या, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार, आई होप एवरीथिंग इज कूल टिल नाउ, करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स ऑन ए पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स विद वर्टेक्स वी सच दैट बी ए इज परपेंडिकुलर टू बी बी। ए एंड बी बी टू पॉइंट्स ऑन दिस पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला है और ए और बी पैराबोला पे कोई दो पॉइंट है सच दैट वी ए कॉल्ड वी ए एंड बी बी परपेंडिकुलर है, पैराबोला का वर्टेक्स वी है। तो वही है कि एक पैराबोला की कॉल्ड की बात की जा रही है जो वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल से टेंड करती है, दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी एंड एंगल इज 90 डिग्री एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द कॉल्ड वी ए एंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है ना, और ये कंप्लीट एंगल 90 है और कॉल्ड की लेंथ का रेशियो निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। स्टार्ट लेने मैंने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को टी वन लेट कर लिया, ए टी वन ए स्क्वायर टू ए टी वन, बी के कोऑर्डिनेट को टी टू लेट कर लिया, ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू, बी वर्टेक्स है दैट इज ऑरिजिन है ना। वॉट इज द स्लोप ऑफ द कॉल्ड, वॉट इज द स्लोप, यूज रेड पेन, वॉट इज द स्लोप ऑफ द कॉल्ड बी ए 2 by t1 and what is the slope of the cord vb 2 by t2, so 2 by t1 into 2 by t2, but dono cord kaise perpendicular hai to slope ka product minus 1, to ye result aa gaya t1 t2 is minus 4, theek hai na, ye nikal liya। acha ab yaar ye bhi given hai ki cord va axis se theta angle banati hai, to अगर अपन कॉल्ड बी ए की बात करें इसका स्लोप होगा 2 बाई टी वन और एंगल थीटा बनाती है, देन स्लोप इज़ वॉट 10 थीटा, तो T1 की वैल्यू आ गई T1 इज़ वॉट 2 cot थीटा। T1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो T2 भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, T2 आ जाएगा T1 को 2 cot थीटा माइनस 2 tan थीटा, T1 T2 दोनों थीटा के टर्म्स में आ गए। अब कॉल्ड की लेंथ का रेशियो चाहिए तो बस एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, कॉल्ड बी ए की लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ कॉल्ड बी बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यार, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लगा दो, सारा कैलकुलेशन उसी के अंदर कर लेंगे। वी ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, टी वन की पावर फोर प्लस फोर टी वन स्क्वायर, नीचे आएगा कॉल्ड बी बी की लेंथ, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, टी टू की पावर फोर प्लस फोर टी टू स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और टी वन मीन्स वॉट, टी वन मीन्स टू कॉट थीटा, तो 16 कॉट की पावर फोर थीटा प्लस 16, 16 फिर से कॉमन ले लिया, 16 कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमेटर में क्या आ जाएगा, टी टू, टी टू मीन्स 16 कॉमन, 10 की पावर फोर थीटा अपॉन फोर, फोर जा 16 कॉमन ले ही चुका हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, समथिंग लाइक दैट। इसको यह सिंप्लीफाई करना है तो मैं चाहूँगा पूरी पिक्चर को टेन में ही कन्वर्ट कर लिया जाए, तो ऊपर अगर टेन में कन्वर्ट करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में क्या आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे एलसीएम आ जाएगा 10 की पावर 4 थीटा, नीचे से 10 स्क्वायर थीटा, कॉमन लेने के बाद वाला सीन कुछ ऐसा होगा और डेफिनेटली ये सिंप्लीफाई हो गया। ऊपर जाने पर इस पर बॉइंट फोर्स लगाएंगे तो 10 की पावर 6 थीटा का को ऊपर ले जाएंगे तो कॉट की पावर 6 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट द वैल्यू बिकम्स कॉट क्यू थीटा, है ना, ऑब्वियस है थीटा एक्यूट एंगल तो कॉट क्यू थीटा पॉजिटिव ही आएगा। चलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
लोकस ऑफ ट्रांसेक्शन पॉइंट ऑफ एनी आर्बिट्री डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला। अब की बार ये जो पैराबोला दिया हुआ है ये एक अपवर्ड पैराबोला है और इस अपवर्ड पैराबोला के ट्राइसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है ना। ट्राइसेक्शन पॉइंट का लोकस चाहिए, किसके ट्राइसेक्शन पॉइंट, आर्बिट्री डबल ऑर्डिनेट। तो ये एक डबल ऑर्डिनेट ले लिया, डबल ऑर्डिनेट मतलब ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। इस पैराबोला की एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, वर्टिकल पैराबोला है। अच्छा यार, अब बात यार ये कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी बाई पर पॉइंट कैसे लेते हैं, तो मैं बोलूँगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पे कोई पॉइंट हम लेते थे 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना। तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी बाई है तो यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर दीजिए, यह आ जाएगा 280 कॉमा 80 स्क्वायर। ये किस पर आ गया, नए पैराबोला पर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बाई। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर पैरामीटर ए नहीं है, पैरामीटर बी यूज़ किया है, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 2BT कॉमा BT स्क्वायर। तो एक पॉइंट P ले लिया, दूसरा Q, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया 2BT कॉमा BT स्क्वायर और Q का कोऑर्डिनेट ले लिया -2BT कॉमा BT स्क्वायर, ठीक है ना। और आपको लोकस चाहिए डबल ऑर्डिनेट के ट्राइसेक्शन पॉइंट, मतलब हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, M और N। तो M किस रेशियो में डिवाइड करेगा, M डिवाइड करेगा 1:2 में और N डिवाइड करेगा 2:1 में। तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो M को ले लिया मैंने 1:2, है ना, 1:2 लिया है। तो ये रेशियो होगा QM:MP, ये रेशियो आ गया 1:2, और इसी का लोकस चाहिए। तो सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं यार, तो H कितना आएगा, H आएगा, ये 2 है इधर 1 है, तो सेक्शन फार्मूला लगाइए 2 × -2BT + 1 × 2BT / 1 + 2, क्या आ जाएगा 2^4 − 2BT/3, ये वैल्यू आ गई H की। K की बात करेंगे, K तो वही आएगा यार हाइट, क्योंकि एक्सेस के पैरेलल है, तो K तो वही आएगा BT स्क्वायर। अच्छा लोकस की प्रॉब्लम है, तो T को एलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन से T निकाल लिया, T आएगा -3H/2B और इमीडिएटली इस T को उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। T को एलिमिनेट करना था, B × T स्क्वायर आ जाएगा 9H² / 4B² बी से बी कैंसिल, देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट M H, K इज क्या आ जाएगा 9X² = 4BY, ये पैराबोला आ जाएगा 9X² = 4BY, करेक्ट ऑप्शन इज C, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, Y इंटरसेप्ट ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ द पैराबोला दिस एंड दिस। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके जे मेंस जे एडवांस दोनों के लिए। कॉमन दो कर्म में कॉमन टेंजेंट बहुत बार क्वेश्चन IIT में आ चुका है, और जेई मेंस में तो इतने पेपर सब होते हैं, तो किसी ना किसी पेपर में तो क्वेश्चन आता ही आता है, इवन हो सकता है कि दो पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाए। तो दो कर्व की कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, मैं आपको आइडिया देता हूँ। दो कर्व कुछ भी हो सकते हैं, सर्कल पैराबोला हो सकता है, पैराबोला हाइपरबोला हो सकता है, हाइपरबोला एलिप्स हो सकता है। तो बस बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए और कर्व की टेंजेंट लिखना आना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे बार ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आपको दो कर्व पर कॉमन टेंजेंट निकालनी हो तो अपन नोन कर्व मतलब जिसकी इक्वेशन आपको पता है, नोन कर्व पर आप जनरल टेंजेंट लेके स्लोप वाली, और अननोन पर टेंजेंसी कंडीशन। नोन कर्व पर जनरल टेंजेंट, अननोन पर टेंजेंसी कंडीशन। आप कहेंगे सर अगर मेरे को दोनों ही कर्व की टेंजेंट पता है तब क्या करेंगे, तो जब दोनों पर टेंजेंट की इक्वेशन पता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले कर्व पर भी एम स्लोप की टेंजेंट लिख दें, दूसरे पर भी एम स्लोप की टेंजेंट लिख दें, और दोनों को आइडेंटिकल कर दें, कोफिशिएंट के रेशियो इक्वेट कर दीजिए, वहाँ से आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं मान के चलता, वैसे तो दोनों ही कर्व नोन है, लेकिन मैं इसकी इक्वेशन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो एनी टेंजेंट, एनी टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 32x, तो जनरल टेंजेंट क्या होती है y = mx + a/m, 4a की वैल्यू 32 है, तो a क्या हो जाएगा 8, ये इसकी टेंजेंट आ गई, है ना। अब m जैसे जैसे मैं वेरी कराऊंगा तो ये लाइन फर्स्ट पैराबोला को तो टच करेगी, लेकिन मुझे ऐसा m निकालना है जिसके लिए ये जो लाइन है ये सेकंड पैराबोला को भी टच करे, तो आप टेंजेंसी कंडीशन लगाएंगे सेकंड पैराबोला पर। तो अगर ये लाइन सेकंड पैराबोला को टच करती तो आप y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, है ना। तो क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, y की वैल्यू पुट कर दीजिए 108 × mx + 8/m। क्वाड्रेटिक क्या मिले, x² − 108 mx − 108 × 8y m = 0। अच्छा मैं चाहता हूँ ये लाइन जो है सेकंड पैराबोला को भी टच करे, तो अगर टच करती है तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसके दोनों रूट कैसे आने चाहिए, इक्वल,
तो इसका डी जीरो कर दीजिए, डी जीरो करेंगे तो बी स्क्वायर 108m इंटू 108m, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, 4 इंटू 108 वी स्क्वायर 108 इंटू 8 बाई एम, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगी, माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, या तो 108 से 108 कैंसिल हो गया है, 4 को कैंसिल करेंगे तो ये कुछ 22 टाइप का आएगा, है ना, 4 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 22 नहीं आएगा, 27 आएगा, 27, या देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम क्यू फ्रॉम हियर, एम क्यू इज -8/27 एंड अगर क्यूब रूट की बात करें तो -2/3, स्लोप आ गया -2/3, है ना, तो m को -2/3 फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं, देयरफॉर वन इम्प्लाइज y इक्वल्स टू -2/3 x, और प्लस m को पुट करेंगे -2/3 8 इंटू 3 अपॉन -2, ये आ जाएगा, है ना, और मेरे को टेंजेंट का y इंटरसेप्ट चाहिए तो पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 कर दीजिए, y आ जाएगा -8/3 24 अपॉन -2 बाई इंटरसेप्ट -12 आ जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी एन इज एन ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पी एन एक पैराबोला का ऑर्डिनेट है, पी ऑन द कर्व एंड एन ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक राइट हैंडेड पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर 4ax, और पी एन उसका ऑर्डिनेट है, पी पॉइंट जो है कर्व पर लाई करता है, एन लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द एक्सिस टू बाईसेक्ट एन पी, तो मैंने क्वेश्चन में स्टार्ट लेने के पी के कोऑर्डिनेट को 80^280 लेट कर लिया, तो एन का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 80^0, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द एक्सिस टू बाईसेक्ट एन पी, मतलब एक लाइन हमने एक्सिस के पैरेलल डाली, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो एन पी को बाईसेक्ट करती है, बाईसेक्ट करने का मतलब इस पॉइंट डॉटेड लाइन की हाइट क्या हो जाएगी भाई, पी की हाइट कितनी 280, तो इसकी हाइट 80 हो जाएगी, यानी इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल्स टू 80 डॉटेड लाइन की, एंड मीट द कर्व इन क्यू, आपको दे रखा है डॉटेड लाइन जो है कर्व को क्यू पे मीट करती है, तो मैं चाहूँगा यार क्यू का कोऑर्डिनेट निकाला जाए, तो क्यू का वाई कोऑर्डिनेट तो पता है, वाई कोऑर्डिनेट तो 80 है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, तो एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने लैम्डा सपोज कर लिया, और मैं लैम्डा कैसे निकालूंगा, पॉइंट क्यू कर्व पर लाई करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्यू के कोऑर्डिनेट को कर्व में डाल दो, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a लैम्डा, ए से कैंसिल हो गया, लैम्डा आ गया 80^4, इट मींस क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास 80^4, 80, ठीक है ना, एन क्यू मीट्स द टेंजेंट एट द वर्टेक्स इन ए पॉइंट टी, टेंजेंट एट द वर्टेक्स इन ए पॉइंट टी, मैंने क्या किया एन को क्यू से ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया, तो ये वर्टेक्स को टी पे मीट करता, ये पॉइंट टी है, वर्टेक्स ए है, अब इन्होंने 80 और एन पी का रेशियो पूछा है, 80 और एन पी, चलिए भाई 80 और np का रेशियो निकालने के लिए मुझे t का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा बस, क्योंकि np तो हाइट पता ही है मेरे को, तो पहले अपन स्लोप ऑफ qn की बात करते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ qn, 80 - 0 अपॉन 80^4 -80^2 इक्वल टू 80 अपॉन -3/4 80^2 -3/4 80^2 80 कैंसिल -4/3 आ जाएगा, ओके, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ क्यू एन y - y1 पॉइंट ये रहा 80^0 और स्लोप ये रहा y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, ये क्यू एन की इक्वेशन आ गई, और मुझे इस qn का y एक्सिस इंटरसेक्शन चाहिए, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x 0 पुट कर दीजिए तो y आ जाएगा -+ 4/3t इंटू 80^2 t से t कैंसिल तो 4/3 80, तो y कोऑर्डिनेट मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ 80 आ गया 4/3 80, देयरफॉर 80/np, 80 में np का डिवाइड दे दीजिए, नेपच्यूनियम का डिवाइड दे दीजिए, डी ब्लॉक एलिमेंट
तो 4/380 अपॉन एन पी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन पी, दिस लेंथ इज 280 से 80 कैंसिल, 2/3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, कनेक्टेड रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। ओके।